व्यक्ति का हृदय रूपी पात्र जब आकांक्षाओं की गंदगी से भरा होता है ना, इच्छाओं की गंदगी से भरा रहता है, तो वो गुरु के पास जाकर भी उनसे लाभ नहीं उठा पाता। अरे नहीं नहीं नहीं, हमको तो आनंद नहीं आया। जैसे हनुमान जी और उनके साथी सीता जी की खोज में स्वयं प्रभा के पास पहुंचे तो स्वयं प्रभा ने कहा कि आंख बंद करो तो सीता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो उन सब ने आंख बंद कर ली। आंख बंद कर ली तो स्वयं प्रभा की गुफा में थे, आंख खुली तो समुद्र किनारे थे, सामने समुद्र लहरा रहा था। अब ये सब और निराश हो गए कि उसने तो कहा था आंख बंद करो, मैं तुमको सीता जी का पता कैसे हो बताती हूं, पर अब तो सामने समुद्र है। अब क्या करें? ये तो और परेशानी खड़ी हो गई। वहां तो फिर भी पानी था पीने का, भी समुद्र का पानी कैसे पिएंगे प्यास बुझाने को। और दुखी हो गए। पर हनुमान जी को देखें तो वो शांत बैठे थे, उन्होंने आंख खोली नहीं थी। स्वयं प्रभा का संकेत उन्होंने सही अर्थ में समझा था। गुरु का संकेत जो नहीं समझ पाते ना, वो फिर गुरु को दोष लगाते हैं। अरे गुरु जी ने तो कहा था आंख बंद करो, हम तो आंख बंद करके ध्यान में बैठे, हमको तो कोई अनुभव नहीं हुआ, हमको तो कोई शांति नहीं मिली, हम तो अभी भी अशांत हैं। ये तो ऐसा हुआ कि कोई आदमी किसी को कहे, पड़ोसी को, भाई साहब आंधी चल रही है, दरवाजे बंद कर दो नहीं तो मिट्टी आ जाएगी अंदर। तो उस आदमी ने दरवाजे बंद किए पर खिड़की बंद नहीं की, तो आंधी के कारण जो मिट्टी उड़ रही थी वो आ गई उसके घर। वो बताने वाले को कहा, तुमने तो कहा दरवाजा बंद करो नहीं तो मिट्टी आ जाएगी, मैंने तो बंद किया पर मिट्टी फिर भी आ गई अंदर। बोले कैसे आई, खिड़की खुली थी क्या? बोले हाँ खिड़कियां खुली थी सब। तो बोले भले आदमी वो क्यों नहीं बंद की? बोले आपने कहा ही नहीं, आपने कहा था दरवाजा बंद करो तो हमने दरवाजा बंद कर दिया, बस खिड़की बंद नहीं की। ऐसे ही स्वयं प्रभा ने सबको कहा आंख बंद करो तो खाली पलकें ही बंद की, आंख बंद नहीं की। कई लोग पलकें बंद करते हैं आंख बंद नहीं करते। मन की आंखों के द्वारा देखते रहेंगे जो पहले देखा है, पर जो सचमुच में आंख बंद करता है उसको देखे हुए की वास्तविकता का बोध होता है। तो हनुमान जी ने सभी ज्ञान इंद्रियों को अंतर्मुख कर लिया था, शांत बैठे थे। बैठे थे तो वही सफल हुए और लोग सफल नहीं हुए। कबीर जी कहते हैं, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, जो अपना घर फूंक दे वो हमारे साथ चले और मंजिल पे पहुंचे। कई बार गुरु की शरण में रहने वाला व्यक्ति बाहर से लगे कि नहीं मैं तो गुरु के चरणों में हूं, पर वो कहीं ना कहीं आसक्ति के छेड़े बांधे रखता है। इसीलिए पूरी यात्रा हमारी हो नहीं पाती। जो घर फूके अपना, घर फूके माना घर जला दे नहीं, उसके प्रति जो ममत्व है वो छोड़े। कई लोग बातें ज्ञान की करते हैं। सुग्रीव भी पहले ज्ञान की बातें कर रहा था। राम जी ने कहा मैं तुमको किष्किंधा का राजा बनाऊंगा, तो सुग्रीव कहता है कि ना अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करूं दिन राती। ऐसा कहा, ये सुग्रीव के वचन है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करूं दिन राती, मैं सब छोड़ के आपका भजन करूं, ये बोला है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत पर मारथ नाही। कैसे वेदांत की बात बोल रहा है सुग्रीव।
संसार में शत्रु मित्र सुख दुख ये सब माया में है, परमार्थ में कुछ भी नहीं है, ये सुग्रीव बोल रहा है। और वाली को देखो तो वो भी बड़ा वेदांत बोल रहा था। जब उसकी पत्नी ने कहा कि आप क्यों जा रहे हैं, बोले सुग्रीव मेरे को ललकार रहा है युद्ध के लिए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। पर पत्नी कहती है जरा सोचो, कल तक जो आपसे डर कर छुप कर भागता फिरता था वो आपको क्यों ललकार रहा है, जरा सोचो। बोले मैंने सोच लिया। क्या सोचा? वाली बोला कि उसने राम जी की शरण ली है, उस उनके बल का सहारा लेकर इतनी गर्जना कर रहा है। तो बोले फिर आप क्यों जाते हो? अरे बोले क्यों ना जाऊं, वो तो राम जी तो भगवान है, भगवान साक्षात भगवान है, और भगवान तो सम है, वो पक्षपात क्यों करेंगे, मेरी तो उनसे कोई दुश्मनी नहीं है तो वो क्यों पक्षपात करेंगे, मेरे को क्यों मारेंगे, मैंने उनसे कोई शत्रुता नहीं की, मैंने कोई उनको कभी अपशब्द नहीं कहा, और मैं तो तुझको कह रहा हूं भगवान तो सम है, वो मेरे को क्यों मारेंगे। ऐसा वाली बोल रहा है। और दूसरी बात सुनकर आपको और आश्चर्य लगेगा, वाली क्या बोला, बोले अगर तू कहती है कि वो मेरे को मार डालेंगे, मैं उनके हाथ से मर भी गया तो भी मैं अब तक अनाथ हूं, उनके हाथ से मरकर सनाथ हो जाऊंगा। ये वाली बोला है, उनके हाथ से मरूंगा मैं सनाथ हो जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो चला चला, तो तुलसीदास जी ने लिखा है अस कही चला महाअभिमानी, महाअभिमानी ऐसा बोलकर चला कि मैं उनके हाथ से मर भी गया तो सनाथ हो जाऊंगा, वो तो सम है, वो पक्षपात क्यों करेंगे। पर भगवान से पूछो कि क्या आप पक्षपात नहीं करोगे, तो फिर भक्ति का अर्थ क्या रहेगा। किसान खेत में जो बीज बोता है वही उसको मिलता है, गेहूं बोए तो गेहूं, गन्ना बोए तो गन्ना, और मिर्ची बोए तो मिर्ची। परंतु अन्वेषण करता धरती में से सोना खोज लेते हैं, नहीं खोजा अमेरिका के कोलोराडो में सोना खोजा ना, खदाने मिली थी, तो अन्वेषण करता सोना भी खोज लेते हैं। तो ये भक्ति का पक्ष है, उसको प्रभु कृपा से भगवत कृपा से सब कुछ मिल जाए। देखो हम लोग पात्र बनेंगे तब वो कृपा करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ध्यान देना कृपा करके, हम पात्र बनेंगे तब वो कृपा करेंगे ऐसी बात नहीं है, परंतु वो कृपालु हैं, कृपा करना उनका स्वभाव है। आप सोचो, आप हम मैं पहली बार आए थे जब, तो क्या हम लोग पात्र थे क्या? मैं पात्र था कि मैं मेरी बात करूं, मैं दूसरे की बात नहीं करूं, मैं कोई पात्र था क्या? मुझे पात्र देखकर गुरु जी ने अपनाया क्या? मुझे कोई बड़ा साधननिष्ठ देखकर बापू ने अपने चरणों में रखा क्या? ये बात सोचो जरा। या मैं कोई बहुत बड़ा करोड़पति का बेटा था इसलिए मुझे बापू ने रखा? नहीं, वो कृपालु हैं, कृपा किए बिना रहते नहीं है इसलिए रखा, नहीं तो कार्यक्रम तो फरीदाबाद है 7 से 10 तारीख तक, आप सबको पता है। तो बापू जी बोल देते चलो जिस पूनम व्रतधारी को आना होगा सब आ जाएंगे फरीदाबाद। नहीं भाई चलो, कहां तो फलोदी, वहां से सीधा वो पड़ता, जोधपुर होके दिल्ली सीधा पड़ता, परंतु नहीं चलो इस तरफ के साधकों को तकलीफ न पड़े, वहां फरीदाबाद उनका यात्रा में समय जाए पैसा जाए, चलो उनकी यात्रा कम हो जाए अपनी यात्रा भले बढ़ जाए। तो यहां रखा, फिर यहां से कल 10 बजे के जहाज में दिल्ली, दिल्ली से फरीदाबाद जाएंगे। ये कृपा सिंधु है, कृपा किए बिना रहते नहीं है, हम पात्र हैं इसलिए कृपा करते हैं ऐसी बात नहीं है, कृपा करना उनका स्वभाव है।
कृपा करना उनका स्वभाव है, कृपा किए बिना रहते नहीं है। परंतु कई बार हम लोगों को, मैं भी आ गया उसमें, कई बार हम लोगों को कोप दिखता है कि गुरुजी नाराज हो गए, अरे हम तो गए दर्शन करने, डांट दिया चलो। कोई बोले मैं तो बीमार था, मैं गया था कि मैं कुछ पूछूं, पर बापूजी ने इशारा कर दिया वैद्यराज को मिलो। आप ध्यान दो, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, लगा था ना, ये तो सबको पता है लगा था। लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, फिर हनुमान जी उनको उठाकर ले आए, राम जी की गोद में रख दिया। अब आप ये बताओ कि क्या राम जी कोई साधारण नर थे कि साक्षात भगवान थे? आप बोलो, साक्षात ईश्वर थे, भगवान ही नर रूप लेकर आए थे, है ना? तो क्या भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि लक्ष्मण के सिर पर हाथ रख के बोलते चल मेरे भाई लक्ष्मण खड़ा हो जा? हाँ, चाहते तो बोल सकते थे, क्या उनमें शक्ति नहीं थी, या वो अपनी शक्ति भूल गए थे? तो क्यों नहीं कहा यूं करके चल लक्ष्मण खड़ा हो जा, ऐसा नहीं कहा? नहीं, शिव जी कहते उमा करत रघुपति नर लीला। हे उमा, राम जी तो नर लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, भगवान होते हुए भी अपनी भगवत्ता को नहीं दिखाते, नर लीला कर रहे हैं। फिर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ कि लक्ष्मण जी मूर्छित है, तो हनुमान जी राम जी को कहते हैं प्रभु आप आदेश करो तो मैं चंद्रमा को निचोड़ कर अमृत निकाल के ले आऊं, इधर चंद्रमा को निचोड़ दूं मैं पूरा। राम जी ने कहा नहीं, हम अपने कारण चंद्रमा को क्यों कष्ट दें? नहीं, ऐसा नहीं सोचना, छोड़ो, दूसरा कोई विकल्प सोचो। तो हनुमान जी ने कहा दूसरा विकल्प यह है कि मैं राहु की तरह सूर्य को निगल जाऊं, क्योंकि सूर्योदय होगा तब तो लक्ष्मण के प्राण जाएंगे ना, हम सूर्योदय नहीं होने देंगे, मैं सूर्य को राहु की तरह निगल जाऊंगा। वैसे भी बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, मैं सूर्य को निगल जाऊंगा, आप आदेश करो। राम जी ने कहा नहीं, अपने कारण हम पूरे संसार में अंधेरा करें, हम प्रकाश करने आए हैं, अंधेरा फैलाने नहीं आए। हनुमान जी कोई तीसरा विकल्प सोचो। तब हनुमान जी कहते हैं प्रभु फिर तो तीसरा विकल्प यह है कि मैं मौत को ही मार डालूं, मौत को ही खत्म कर दूं, वो लक्ष्मण जी को मार ही ना सके, तीसरा उपाय यह है। राम जी ने कहा नहीं नहीं, मैंने मृत्यु की परंपरा किसने बनाई? बोले प्रभु आपने ही बनाई, इसलिए बनाई कि लोगों को इस बहाने थोड़ा डर रहे कि मरना है एक दिन, तो हाय हाय क्यों करें? कई लोगों को तो पता है फिर भी हाय हाय कहाँ छोड़ते हैं, हरी हरी छोड़ देंगे, हाय हाय नहीं छोड़ेंगे। उसमें मजा आता है, वो अच्छा लगता है। मैंने कल परसों एक बात बताई थी, आप सब नहीं थे, कुछ लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, आपस में यार दोस्त थे, उनको लगी भूख, एक के पास खाना था मिठाई, सुखड़ी बनाते हैं गुजराती लोग, सुखड़ी थी, नमकीन, थोड़े लड्डू भी थे और खाखरे थे, खाखरे गुजराती में खाखरा, खाखरे होते ना सूखे गोल गोल, वो खाखरे थे। अब दोस्तों को पता था ये है एक नंबर का कंजूस, निकालेगा नहीं माल। तो एक बड़ा चालाक था, उसने एक दूसरे को इशारा किया और हाथ दिखने लगा, तुम्हारे भाग्य में पैसे का तो बहुत सुंदर योग है, बहुत पैसा है, वाह वाह, और आयु की रेखा भी लंबी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब दूसरा आया, मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो, हाँ, तुम्हारे भाग्य में तो विदेश गमन का लिखा हुआ है, विदेश का योग है, यात्रा है विदेश की, पक्का तुम अमेरिका जाओगे, डॉलर खूब कमाओगे। वो भी सुन रहा था, जिसके पास माल था खाने पीने का, वो भी सुन रहा था।
ये भी हुआ अधीर कि मैं भी मेरा हाथ दिखाऊं। लोगों को होती है हाँ लालसा, कईयों को अपना भविष्य जानने की इच्छा बहुत होती है। जितना लोगों को भविष्य जानने की इच्छा है ना, उतना अगर भविष्य सुधारने की इच्छा हो जाए, कल्याण हो जाए। जानने की क्यों इच्छा करते हैं, सुधारने की करो हुजूर, सुधारना है, जानना नहीं है। जानना मेरे हाथ में क्या ली, जरा देखो, जान कर करोगे भी क्या? वो बोलेगा कि शनि का कोप है, फिर क्या करोगे? वो बोलेगा चौथे स्थान पर राहु बैठा है, पांचवे में केतु बैठा है। हाँ, बाकी जो साधना में ऊंचे उठे हैं उनके लिए तो वास्तव में सुख दुख मायाकृत परमार्थ ना है। जिन्होंने समता में स्थिति पाई है, जो समता के आसन पर जाकर बैठ गए, उनको चोट नहीं लगती। देखो ध्रुव का अपमान हुआ है ना, ये कथा सबको पता है। ध्रुव को उसकी सौतेली माँ ने थप्पड़ मार दी और कहा कि तुझे पिता की गोद में बैठना, तो पहले भजन कर भगवान का, फिर मर जा, फिर मेरे गोद से, मेरे कोख से जन्म ले, तब बाप की गोद में बैठ सकेगा। अपमान कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, हम कथा के विस्तार में न जाएं, पर ध्रुव का अपमान होने के बाद देखो क्या हुआ। अपमान हुआ तो बदला लेने की भावना नहीं आई, बलिदान दिया, महल छोड़कर ध्रुव चले गए और गुरु नारद जी मिल गए, जप करने लगे, तप करने लगे। दूसरा अपमान हुआ विभीषण का, भरी सभा में लात मार दी। मंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी था, लात मार दी सबके बीच, कितना अपमान है। पर विभीषण ने बदला लेने की सोची, आप बताओ? नहीं, विभीषण ने तो घोषणा कर दी, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वश तेरी, मैं जायो रघुवीर शरण। मैं तो अब उनकी शरण में जा रहा हूं, बस। तो अपमान होने पर ये भगवान की दिशा में मुड़ गए दोनों, ध्रुव भी और विभीषण भी। आज देखो दुनिया में अपमान कई लोगों का होता है, आपका हमारा कई बार अनुभव होते हैं, संसार में कई लोगों का अपमान होता है, पर देखो अपमान होने के बाद ईश्वर की दिशा में कितने मुड़ते हैं। बलिदान का भाव आता है कि बदले का भाव आता है, ये देखना है, तब पता चले कि साधना कितनी है, तब पता चले समता कितनी है। बदले की भावना ना आए, बलिदान की, बदला ले, हम इसको भी मजा चखाएं, इसका भी ऐसा करें, इसका भी, ये मूढ़ता की पहचान है। बलिदान की भावना आनी चाहिए, बलिदान, बदला नहीं। पति पत्नी गए आगरा, ताजमहल देखकर पत्नी ने कहा देखो एक वो भी था, पत्नी की याद में महल बना दिया उसने, इतना आलीशान, आप क्या करोगे मेरे लिए? वो बोला तू मर जा, बाद में सोचूंगा। पत्नी ने ठान लिया, अपमान हुआ ना, अब शब्द कहे अपमान हुआ, तो उसने भी ठान लिया मैं भी बदला लेके रहूंगी, बलिदान नहीं बदला। थोड़े दिन के बाद वो फिर कहीं और घूमने गए, कर्नाटक के तरफ कहीं, तो वहां एक क्रॉस देखा, जीसस का होता ना क्रॉस, क्रॉस उसमें जीसस की भी मूर्ति थी, लटके हुए हैं बेबस विवश। तो उस महिला ने क्या किया, उसके पैर छुए, जीसस के मूर्ति में पैर छुए। पत्नी ने कहा कि वाह, आज तक तूने मेरे पैर छुए कभी, इसके पैर छूती है, मेरे क्यों नहीं छूती? बोले आप भी पहले लटक जाओ इधर, फिर छूलूंगी। बदला, ताजमहल वाला, ताजमहल वाला बदला, पहले आप लटक जाओ फिर मैं छूलूंगी। ये बदले की भावना, जहां श्रद्धा होगी वहां स्पर्धा नहीं होगी, जहां बलिदान होगा वहां बदले का भाव नहीं होगा। क्यों?
हनुमान जी कहते हैं आप कहो तो मैं मृत्यु को मार डालूं, क्योंकि हनुमान जी आखिर शिव जी के अवतार हैं और शिव जी करालम महाकाल कालम कृपालम, काल के भी काल महाकाल है। तो हनुमान जी कहते फिर बोले नहीं, मृत्यु मृत्यु को मैंने बनाया है ताकि लोग चले ईश्वर की ओर, पता चले कि शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ने के पहले अक्षर का अनुभव करना। शरीर क्षर है, शरीर ही अक्षर है और उसकी एकता ईश्वर से उसका अनुभव हो। खैर तो हनुमान जी ने कहा फिर अब क्या किया जाए। तब जामवंत ने कहा, जामवंत उम्र में बड़े थे, जामवंत ने कहा कि मेरे ख्याल से तो एक वैद्यराज है, वो लंका में रहते हैं, सुषेण उसका नाम है, उसको लाया जाए तो वो सही सलाह बताएगा। तो राम जी कहते हैं अच्छा हनुमान अब जाओ तुम वैद्यराज को लेकर आओ। उमा करत रघुपति नर लीला। और कभी कभी फिर देखो जब लक्ष्मण जी दूसरी बार भी मूर्छित हुए, रावण ने भी उनको शक्ति बाण मारा था, लक्ष्मण जी को फिर मूर्छित हो गए, फिर मूर्छित हुए ना, तब फिर राम जी ने हनुमान जी को नहीं कहा जाओ वैद्य को फिर लेके आओ। तब तो राम जी ने लक्ष्मण जी के कान में कुछ कहा और लक्ष्मण जी खड़े हो गए। तो वानरों ने पूछा आपने इनके कान में क्या कहा जो ये तुरंत खड़े हो गए। राम जी ने कहा मैंने इसको याद दिला दिया कि तुम शेष के अवतार हो, तुम साधारण आदमी नहीं हो, अपनी महिमा में जागो जागो। जाग गया। कभी लीला कैसी कभी प्रभु की लीला कैसी। अब पहली बार में बेहोश हुए तब नहीं कहा कि जाओ लक्ष्मण उठो, तब नहीं कहा, तब तो कहते हनुमान जाओ वैद्यराज को लेकर आओ। तो भगवान की और भगवत तत्व प्राप्त महापुरुषों की लीला कई बार व्यक्ति को समझ में नहीं आती तो उस व्यक्ति को भगवान में और गुरु में दोष दृष्टि हो जाती है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, दोष देखता है और दोष देखने से फिर वही लाभ से वंचित रह जाता है। वो लाभ कैसे पाएगा, गुरु में दोष देखा, जो निर्दोष नारायण है उनमें दोष देखा, जो निर्विकार हैं उनको विकारी माना। बुद्धि सा पार्थ तामसी। मैं तो कहूं हम सब साधकों को पार्वती जी की एक बात याद रखें ना कल्याण हो जाएगा। पार्वती जी के आगे सप्तऋषियों ने शिव जी की भरपेट निंदा की, खूब निंदा की, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, ऐसा खूब निंदा की। तब पार्वती जी ने क्या कहा, अब मैं जन्म शंभुहित हारा कै गुण दूषण करई विचारा। मैंने ये जन्म शिव जी के नाम कुर्बान कर दिया तो मैं उनके गुण दोष के बारे में क्यों चर्चा करूं। इतना कह दिया, सप्तऋषियों की बोलती बंद कर दी। अब मैं जन्म शंभु हितहारा कै गुण दूषण करे विचारा। एक कन्या है, उसने उसकी बात मैंने सुनी, उसकी सगी मामी उसके आगे गुरुदेव की निंदा करने लगी तो कन्या ने थूक दिया, अपनी मामी के मुंह पर थूक दिया। मामी संबंधी है तो है, सच्चे संबंधी। अब संबंध की बात आई तो मैं एक बात और कहूं, एक होता है पुराना संबंध, सनातन संबंध, पुरातन नहीं सनातन संबंध, और एक होता है नया संबंध, प्राचीन अर्वाचीन कह दो। नए संबंध को व्यक्ति इतना महत्व दे देता है कि पुराने संबंध को भूल जाता है। जैसे कॉलेज में कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया, कोई लड़की किसी आवारा लड़के के चक्कर में आ गई तो उसको अपने माँ बाप की याद नहीं रहती, दादा दादी कुछ कहें तो वो बुरे लगते हैं, सब बुरे लगते हैं, केवल वो ही अच्छा लगता है।
और फिर गाने गाते, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। वाह भाई वाह, वाह आपकी बुद्धि, आपकी सोच धन्य है, धन्य 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 अवतार आपका, धन्य धन्य अवतार। राम जी जब वन में जाने लगे तो कैकई जी को कहने लगे, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, तनय मात पितु तोषनि हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। बार बार जननी कहते हैं, बार बार। मानो राम जी याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारा और हमारा सनातन संबंध है। पर कैकई जी को उस समय बात समझ में नहीं आई, राम जी चले गए। फिर भरत जी आए तो उन्होंने जब सारी बात जानी तो अपनी मां को डांटा, खूब गुस्सा किया। गरी न जीह मुख पड़े उन कीड़ा, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, जीभ क्यों नहीं गल गई, वर मांगत भई नहीं पीड़ा, ऐसा वरदान मांगते पीड़ा क्यों नहीं हुई, ऐसा कहा और भी बहुत कुछ सुनाया। तब कैकई जी रो पड़ी और उनको राम जी की याद आई कि शायद राम जी ही सच कह रहे थे, सुन जननी मैं जिसको अपना बेटा मान रही थी वो बेटा मेरे को क्या कह रहा है, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, और राम जी मेरे को क्या कह के गए, जननी कह कर गए। और भरत जी ने भी मन में सोचा कि मां ने नए रिश्ते को महत्व दिया है, मैं तो इस जन्म का उनका बेटा हूं, इस जन्म का संबंध है, बाकी भगवान के साथ तो सनातन संबंध है, तो मां नए संबंध को महत्व दे रही है, पुराने संबंध को भूल रही है। तो मां को पुराना संबंध याद आ जाए उसके लिए मुझे कटु शब्द बोलने पड़ेंगे। और भरत जी ने कटु शब्द बोले और मां को पुराने संबंध की याद दिला दी, नए संबंध की आसक्ति तोड़ दी। और जब राम जी अयोध्या लौट कर आए तो राम जी ने कैकई जी को प्रणाम करके कहा, क्यों मां मैं तुमको कह रहा था तू मेरी जननी है, अब विश्वास आया कि नहीं आया। तब कैकई जी रो पड़ी और राम जी को हृदय से लगा लिया। तो ये पुराना संबंध जो है, सनातन संबंध जो है, उसको जब व्यक्ति भूल जाता है और नए में उलझ जाता है तभी दुख आता है। कैकई जी पुराने को भूली, नए में उलझी, तो पति ने त्याग कर दिया, फिर विधवा हो गई, फिर पुत्र ने भी तिरस्कार कर दिया, कितना अपमान, कितना दुख हुआ। नए संबंध में फंसने के कारण, पुराने सच्चे संबंध को भूलने के कारण, यहां ये मूल में भूल है। मैं बात पूरी करूं, उसने बहुतों के हाथ देख लिए होंगे, अब थोड़ा टाइम देना उसको भी हाथ देखने के लिए। अब ये आया जिसके पास माल था, क्योंकि अब हमारा, हम लोगों का भी टाइम हो रहा है, हाँ टाइम हो रहा है ना, तो जिसके पास माल था उसने कहा मेरा हाथ भी देखो, वो बोला कि हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आप कब आओगे, आपका इंतजार था। हाथ देखा बहुत घुमा घुमा के, इधर 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 कौन सा चक्र है, इधर कुछ है, इधर कुछ है। बोले आपकी आयु बहुत लंबी है, ये बात तो है, आपके भाग्य में पैसा भी बहुत है, पर आपको पैसा बचता नहीं है, ठीक कह रहा हूं मैं, अब ये तो सबको होता है। आप घर में सबसे अच्छा व्यवहार करते हो, पर घर में सब आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ, बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो, घर में कोई कोई लोग आपकी बात मानते नहीं है। बोले बिल्कुल ठीक कहा आपने, पर बोले एक बहुत अच्छी बात है आपके हाथ में, आप बड़े उदार स्वभाव के हो, आप कभी भी कुछ खाते हो ना तो अकेले नहीं खाते,
ट्रेन चल रही थी, हवा आ रही थी, फिर भी पसीना आ गया इसको ये सुनकर। धड़कन बढ़ गई कि लगता है ये हाथ देखना नहीं जानता, सामान देखना भी जानता है, किसके सामान में क्या है। हाँ, बड़ा उदार स्वभाव आपका, ठीक है ठीक है। अब थोड़ी देर में उसको माल वाले को भी भूख लगी तो उसने डब्बा खोला, खोला तो सोचा कि सलाह तो कर लूँ, अब हाथ में बोला है, उदार स्वभाव है तुम्हारा, अकेले नहीं खाते हो तो आप लोग खाओगे, ऐसा नहीं बोला कि खाओ खाओ आओ, आप लोग खाओगे तो बोले जरूर जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं, आपका उदार स्वभाव तो है ही। ऐसी उन्होंने स्पीड दिखाई, राजधानी एक्सप्रेस तो क्या होती है, चल सुखड़ी ये तू जान, अब नमकीन आए, अब लड्डू का आए, अब ये, और खाखरे थे ना, खाखरे तो ऐसे खाने लगे जैसे राहु चंद्र को निगल जाए, हो रहा ऐसे खाने लगे। पर कैसे चालाक आदमी उसका माल कैसे निकलवा लिया, है प्रयोग काम में लाने जैसा, कभी ट्रेन में नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं, परंतु इसमें लोग चालाकी दिखाते हैं, साधना में दिखाएं ना, दुखी होने से बचने में ये चालाकी दिखाएं ना। दुखेशु अनद्विग्न मना, सुखेशु विगतस्प्रह, इसमें चालाकी दिखाएं कि हम दुखी नहीं होंगे, बस कुछ भी, बेटे को कोई तकलीफ है, बेटी को कोई तकलीफ है, पति को पत्नी को कोई, दुखी नहीं होंगे, हम उनके लिए शुभ संकल्प कर लेंगे, हम उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र जपेंगे कि घर में अमुक व्यक्ति बीमार है, हम महामृत्युंजय मंत्र जपते हो अच्छा हो जाए। ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम स्वः भुवः भूः, ओम सह जूम हौम ओम, ऐसा ऐसा करें संकल्प करके तो क्या नहीं हो सकता। अपने में हीनता का अभाव, ये वेद का वचन है। वेद कहता है अपने में कभी भी हीनता का भाव न रखें। अपने में हीनता का भाव रखना अनधिकार चेष्टा करना है। अनधिकार चेष्टा क्यों करना, हीनता का भाव न लाकर सावधानी का भाव हो। मन ध्यान में जप में लगे, न लगे तो प्रार्थना करें। एक आदमी पैसा कमाने शहर में गया, गांव से पैसा कमाया उसने, मेहनत की, फिर एकाएक उसकी तबीयत खराब हो गई, काफी इलाज कराया, पैसे भी खर्चे, पर आज ठीक नहीं हुआ, तो सोचा कि अब और तो कमा नहीं रहा हूं, जो कमाया हूं पैसे खर्च होते जा रहे हैं, तब गांव लौट जाऊं, जितने पैसे बचे तो गांव का शुद्ध हवामान, शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, तो वहां लौट जाता हूं। गया जहां तांगे वाले खड़े थे, पूछा भाई मुझे अमुक गांव जाना है, क्या पैसा लोगे, तो कोई 25 रुपये बताए, कोई 30 रुपया बताए। अरे बोले इतना तो मैं नहीं खर्चूंगा, और उस जमाने में बरसों पहले 30 रुपया बहुत होते थे, इतना तो मैं नहीं दूंगा। इतने में एक आदमी आया, बोले मेरे को ये घोड़ा बेचना है खाली 15 रुपये में, घोड़ा। तो उसको हुआ कि वो भाड़ा 30 रुपया मांग रहे हैं, कोई 25 रुपया, ये तो 15 रुपये में घोड़ा, ला 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 ला, ला ले 15 रुपये, घोड़ा तो मेरा हो जाएगा और वहां पहुंच भी जाऊंगा। तो बैठ गया घोड़े पर और घोड़े को हाँके हाँके, तो घोड़ा 2 कदम आगे चलता तो 5 कदम पीछे चलता, रिवर्स, और वो करे हुप, और आगे चलाए 2 कदम, फिर चले 5 कदम पीछे आ जाए। खूब मेहनत की, बेचारा थक गया, पैसा कमाने में इतना नहीं थका था जितना इस घोड़े को हांकने में थक गया।
शाम हो गई पर अभी तक इसने पहुंचाने की बात दूर और पीछे ले जा रहा है। दो कदम चले, पांच कदम पीछे। उदास होकर वो घोड़े से उतर के बैठ गया, सिर पे हाथ रखकर। इतने में एक संत वहां से गुजर रहे थे। बोले, क्या बात है भाई, क्यों उदास बैठे हो, क्या कारण है? तो बोला कि ये घोड़ा ऐसा है, मेरे को जाना है इधर और इसको हांकता हूं, दो कदम चलता है, पांच कदम पीछे आता है, मैं तो परेशान हो गया सुबह से। महाराज ने कहा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं बेटे। अरे बोले महाराज, आपको तो बोलना है, प्रैक्टिकल तो मेरे साथ हो रहा है, आपको तो उपदेश देना है बस। नहीं नहीं, दुखी नहीं हो, आनंद में रहो, आपको तो बोलना है, हमारी हालत देखो। महाराज ने कहा, नहीं, मैं सच कहता हूं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो बोले, क्या करूं? बोले, एक काम कर, युक्ति से मुक्ति होती है, एक काम कर, तुझे इधर जाना है ना? बोले हां। तो घोड़े पर बैठ जा और घोड़े का रुख मोड़ दे, पीठ उस तरफ कर दे और मुंह इस तरफ कर दे। तुझे जाना है उधर, पीठ कर दे और फिर हांक बैठ के, तो दो कदम इधर जाएगा, ज्यादा उधर जाएगा ना, पांच पीछे ज्यादा चलता है ना? बोले हां, पीछे ज्यादा चलता है, तो उधर पीठ कर दे तेरे गांव की तरफ बस, और हांक। भले दो कदम इधर आएगा पर पांच कदम पीछे जाएगा, थोड़ा देर से तू पहुंच जाएगा, बाकी इधर तो तू पहुंचेगा ही नहीं। उसको लगा बात ठीक है, महाराज बढ़िया आइडिया दे रहे हैं। वो घोड़े के मुंह मोड़ के पीठ उस तरफ करके बैठ गया और हांकता गया, पहुंच गया अपने घर के। वाह 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 महाराज वाह, अड़ियल घोड़े को भी सीधा कर दिया। ऐसे ही व्यक्ति का मन भी अड़ियल घोड़े की तरह है, थोड़ा तो गुरु के तरफ साधना की तरफ चलेगा, ज्यादा संसार की तरफ चलेगा। अड़ियल घोड़ा है अड़ियल, मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं तो बोलना आप। थोड़ा चलता है, वाह वाह, मंत्र जब दो माला की आनंद आ गया, पर बाकी की आठ मालाओं में इधर जाएगा। जैसे मारिच स्वर्ण मृग बनकर आया था तो थोड़ा तो राम जी की तरफ आया, बाकी राम जी को पीठ देकर दूसरी तरफ भागा। तो अड़ियल है अड़ियल, तो गुरु की युक्ति से ये मान जाएगा, सीधा हो जाएगा, गुरु जो कहते हैं वो साधना करे बस। हरि ओम।